अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। पिछले 3 एपिसोड में आपने देखा कि इस गाड़ी को हम अस्तर तक पहुंचा चुके थे, तो आज हम इसे पेंट करेंगे और लाल कलर का पेंट करेंगे। अस्तर डल चुका है, अस्तर के बाद हम इसे लगाएंगे टक। जहाँ जहाँ पर इसमें टक होंगे वो फिल करेंगे। फिलिंग के बाद हम इसे मांजा जाएगा। सारा प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जनाब, स्टील पुटीन के टक की फिलिंग हम कर रहे हैं। स्टील पुटीन की फिलिंग जहां पर टक होंगे वो सारे कवर हो जाएं तो हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगी तो हम इसे जहाँ पर पुटीन के टक हैं हम इन्हें 320 नंबर के पेपर के साथ सेंडिंग करेंगे, और जहाँ पर अस्तर है अस्तर को हम 1000 नंबर के साथ सेंडिंग करेंगे। टेप अखबार ऑलरेडी इसकी आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हो चुकी है टेपिंग और अखबार सारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में ही अस्तर से पहले टेपिंग कम्प्लीट कर दी गई थी। जनाब, इसके ऊपर टक लगाते लगाते हम आगे बढ़ते जाएंगे। जहां पर टक नज़र आएंगे बहुत बारीकी के साथ हम इसे सर्च कर रहे हैं कि कहीं पर टक हो तो हम उसे कवर कर लें। ये पिलर पर छोटे छोटे से टक हैं, हम उसे कवर करेंगे। ये बेसिक डिको पुटीन के साथ भी कवर किए जा सकते हैं और स्टील पुटीन के साथ भी। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्ती नज़र आ जाता है कि वह डिको पुटीन के साथ के टक कवर हो चुके हैं। बहरहाल वो कवर नहीं हुए होते, वो रंग में बाद में नज़र आते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि ये दोबारा नज़र ना आए तो हम इसे स्टील पुटीन के साथ फिल करते हैं। ये जनाब सारे टक हो चुके हैं। ये टक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जहाँ जहाँ पर टक लगने थे सारे टक फाइनल हो चुके हैं। हम इसकी सेंडिंग शुरू करते हैं। इसकी सेंडिंग 1000 नंबर के पेपर के साथ, सेंडिंग पेपर के साथ हम कर रहे हैं। इसे हमवार करना है। जब यह स्प्रे के साथ अस्तर डाला जाता है तो ये खोरा होता है, तो इसे प्लेन करने के लिए, इसे चिकना करने के लिए हम इसके ऊपर 1000 नंबर का पेपर मारते हैं ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, इसकी बेस बिल्कुल प्यारी बन जाए। तो 1000 नंबर का पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तकरीबन हम दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं। तो जनाब, हमने इसे गाड़ी को धोया, खुश किया, वो सारा प्रोसेस नहीं दिखा सके। पेंट किस तरीके से बनाया वो भी सारा नहीं दिखा सके। तो पेंट हम तैयार कर चुके हैं, गाड़ी तैयार है। अभी हम इसे पेंट डालेंगे। पहले कोट में हम इसे कवर नहीं करेंगे, जहां पर अस्तर है हम इसे बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, और सेकंड कोट में हम इसे कवर कर देंगे। पहले कोट में सिर्फ रफ रफ रंग मारना होता है ताकि इसका जो एक शेड है वो सुर्ख शेड वो आ जाए, उसमें उसके बाद जो है हम इसे कवर करेंगे। तो पहला कोट हम इसको रफ मारेंगे और 3 कोट में हम इसे फाइनल करेंगे। सेकंड कोट में हम हार्डनर और थिनर थोड़ा सा मज़ीद डालकर इसे पतला करेंगे। ये रंग पहला कोट गाढ़ा है। सेकंड कोट में हम इसे थोड़ा सा पतला करेंगे और हार्डनर की मिकदार थोड़ी सी बढ़ाएंगे और इसे हम सेकंड कोट में फिर कलर करेंगे। सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। पेंट का प्रोसेस तो नहीं दिखा सकते क्योंकि मजबूरी में आपको बता चुका हूं कि लोग बोर हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बोर हो जाएं। छत हो चुका, बॉनट भी हो चुका, दरवाजे पे हम आ चुके हैं। ये पाकिस्तानी 2K कलर है और ये गाड़ी मैं पेंट कर रहा हूँ 19,000 रुपये में। ये ओरिजिनल
टू के कलर नहीं है, ये पाकिस्तानी टू के कलर है जिसे लाहौरी टू के भी कहा जाता है। ये गाड़ी मैं पेंट कर रहा हूँ 19,000 रुपये में और इसके ऊपर ख़र्चा आया है टोटल 6,500 रुपये। इसका ख़र्चा है और 19,000 मैंने इससे टोटल लिए हैं, तो बाकी जो बचे वो मेरी मजदूरी है। ये गाड़ी मैंने तैयार की 4 से 5 दिन में ये गाड़ी हमने तैयार की। डेंटिंग के अलावा डेंटिंग का जो काम था वो उनका अपना था। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारी गाड़ी जल्द से जल्द तैयार की जाए, तो एक बात जहन में बिठा लें कि डेंटर या पेंटर के पास जब फुल गाड़ी खुली हो तो वो आपकी गाड़ी का बनिस्बत जब कोई टचिंग वगैरह आ जाए तो वो टचिंग पहले करेगा, क्योंकि सारी बचत टचिंग में होती है। फुल गाड़ी में भी बचत है पर इतनी नहीं जितनी टचिंग में होती है। टचिंग में क्या पता एक दिन में 4,000-4,000 3,000-3,000 बच जाए, और फुल गाड़ी में क्या पता पूरे हफ्ते में 4,000 ना बचे। तो इसलिए अगर आप भी किसी डेंटर पेंटर के पास जाते हैं तो आपकी गाड़ी फुल खुली हुई है, फुल पेंट करवा रहे हैं, फुल डेंट करवा रहे हैं, तो यह जहन में बिठा लें कि वो अगर कोई छोटा मोटा काम आ जाए डेंटर के पास तो वो आपकी गाड़ी छोड़कर कहीं और जो छोटा मोटा काम होगा जिस गाड़ी का वो काम पहले करेगा जो ख़त्म होने वाला होगा। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें डेंटर के साथ भी और पेंटर के साथ भी। जनाब सेकंड कोट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रंग को हम थोड़ा सा पतला करेंगे। पतला करने से एक तो इसकी शाइन आती है और दूसरा इसके ऊपर खूबसूरती आती है। तो रंग को हमने थोड़ा सा मज़ीद पतला किया, हार्डनर भी थोड़ा सा मकदार बढ़ाई और सेकंड कोट हमने स्टार्ट ले लिया है। छत से फारे होकर हम बानट करेंगे, बानट से फिर हम साइडों की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरा बेसिक एड्रेस मेरी वर्कशॉप का सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पर जाकर वकार खान पेंट वर्कशॉप सर्च करें, वहाँ पर सारा आपको एड्रेस आ जाएगा, सारी लोकेशन मेरी आपके पास आ जाएगी। तो जनाब ये सेकंड कोट है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपनी राय बताते हैं। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आप उसे देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के तआवुन से हमारे आज चैनल पर 1,000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। जनाब सेकंड साइड पर हम आ चुके हैं, डिग्गी पर पहुंचने के बाद हम डिग्गी को पेंट करेंगे सेकंड कोट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी में पेंट कर रहा हूं 19,000 में और इसके ऊपर तकरीबन खर्चा आया है 6,500 रुपये का। बकाया जो बचे वो मेरी मजदूरी है और ये पाकिस्तानी टू के कलर है, पर इसका जो रिज़ल्ट निकला है मतलब मेहनत करके इसकी बेस अच्छी बनाई है, उसके अलावा जो है इसके साथ काफ़ी मेहनत की है। इस पेंट में मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस डाला है,
तो उससे ये रंग देखने वाले को ये महसूस नहीं होता कि ये पाकिस्तानी टूके हैं या ये जापानी टूके हैं। तो जनाब आप देख सकते हैं गाड़ी पेंट हो चुकी है, 3 कोट पेंट के बाद आपको गाड़ी का वर्कराउंड देते हैं, गाड़ी का आपको सारा कुछ चेक कराते हैं। गाड़ी इंतहाई खूबसूरत गाड़ी बन चुकी है, रिज़ल्ट भी बहुत प्यारा है। जनाब ये गाड़ी सारी पेंट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दिया करें ताकि जो मज़ीद वीडियोस आएँ हम आपके लिए पहुँचाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आगे मज़ीद इसके बम्पर वगैरह पेंट करेंगे तो वो वीडियो आपको दिखाएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।